हेलो प्यारे व्यूअर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरह से इंटरैक्टिव स्लाइड शो टिकटॉक के ऊपर बना सकते हैं। यानी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक इंटरैक्टिव स्लाइड शो ऑन टिकटॉक। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और टिकटॉक को अपडेट कीजिए। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में जाकर टिकटॉक को अपडेट कीजिए। सबसे पहला काम अपडेट करना है, उसके बाद आपने टिकटॉक को ओपन करना है। तो क्योंकि मेरे पास टिकटॉक अपडेटेड है, मैंने अभी अपडेट किया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ पिक्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ पिक्स सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये वाली और ये वाली। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्विच टू वीडियो मोड, यानी ये आप फोटोज़ मोड में है। यहाँ पे यूँ मैं कर सकता हूँ अपनी उंगलियों से, इसे कहते हैं इंटरेक्टिव स्लाइड शो। पहले क्या होता था, ये नहीं होता था, यानी स्विच टू वीडियो मोड, इस तरह से ये खुद ब खुद जो है स्लाइड शो बन जाता था, हम नहीं कर सकते थे, खुद ब खुद इसका टाइमर लग जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, खुद ब खुद टाइमर लग जाता था। अब यहाँ पे आप, मैं इसको करने जा रहा हूँ स्विच टू फोटो मोड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं इसे खुद ब खुद स्लाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आप इंटरेक्टिव स्लाइड शो बना सकते हैं। तो पहला काम जो है, आप चेक कीजिए कि आपकी जो टिकटॉक है वो अपडेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप टिकटॉक को अपडेट कीजिए, उसके बाद आप इस तरह से इंटरेक्टिव स्लाइड शो बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।